Hey guys, आज की वीडियो में हम जानेंगे TradeX ऐप के बारे में, जो कि एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है और ये एक पैसे कमाने वाली या पैसे देने वाली ऐप है। गाइस, यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके बहुत अच्छी मनी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ओपिनियन ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा कि कैसे आप इस एप्लीकेशन से पैसे कमा सकते हैं। तो गाइस, एप्लीकेशन का नाम है TradeX। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम बस आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, आप इसमें सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम कोई भी मनी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप इसमें फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलता है 10 रुपये का साइन अप बोनस, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं ओपिनियन ट्रेडिंग करने में। और यहाँ पर गाइज, आप ओपिनियन ट्रेडिंग कर सकते हैं न्यूज़ में, मीडिया में, फाइनेंस में, स्पोर्ट्स में और पॉलिटिक्स में भी। और गाइस, ये ओपिनियन ट्रेडिंग है, तो ओपिनियन ट्रेडिंग होती क्या है? तो ओपिनियन का सिंपल सा मतलब होता है सुझाव। तो आप अपना सुझाव देकर मनी अर्न कर सकते हैं। अगर आपका सुझाव, आपकी प्रेडिक्शन काफी अच्छी है तो ये ऐप आप लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आप अलग अलग टॉपिक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्पोर्ट्स वाला सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें स्पोर्ट्स की ज़्यादा नॉलेज है, तो बस हम स्पोर्ट्स पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी सारे ट्रेड्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहले ही ट्रेड हम ले लेते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है सुपर स्मैश T20 का ये एक ट्रेड है। तो इसमें हमसे पूछा गया है टोटल विकेट्स 12 और मोर इन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वर्सेज नॉर्थन नाइट्स मैच। जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वर्सेज नॉर्थन नाइट्स का जो मैच है, उसमें टोटल विकेट्स 12 या 12 से ज़्यादा गिरेंगी या फिर नहीं गिरेंगी, बस इस टाइप से गाइस हमें आंसर देना है। तो अब हमें लगता है कि टोटल विकेट 12 से ज़्यादा नहीं होगी, तो बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें लगता है कि 12 से ज़्यादा विकेट गिर जाएगी तो हम यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, पर हमें लग रहा है हमारा जो ओपिनियन है वो नो है, तो हम नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर गाइस, नो वाले ओपिनियन का प्राइस भी अलग चल रहा होगा, तो हम नो वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो नो वाले ओपिनियन के पर शेयर का प्राइस है वो है 37 रुपये, और यस वाले ओपिनियन के पर शेयर का जो प्राइस है वो है 63 रुपये। लगभग 63 रुपये के करीब यहाँ पर यस वाले ओपिनियन का प्राइस है और नो वाले ओपिनियन का जो प्राइस है वो है 37 रुपये। ये जो शेयर होता है गाइज, ये पूरा 100 रुपये का होता है, और ये जो डिवाइडेशन होती है यस और नो में होती है। तो यहाँ पर अगर आप पूरा अमाउंट कैलकुलेट करेंगे यस वाले ओपिनियन का प्लस करके नो वाले ओपिनियन को प्लस करके, तो 100 रुपये के बराबर होगा। पर गाइज, यहाँ पर हम नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो नो वाले पर शेयर के ओपिनियन का प्राइस है वो है 37 रुपये। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर ये नो वाले ओपिनियन का पर शेयर का प्राइस जो है वो 37 रुपीज़ है तो आपको 37 इन्वेस्ट करने पड़े, आप 10 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 रुपये से भी आप यहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको साइन अप बोनस तो 10 का ही मिलेगा। तो आप 10 रुपये से अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो यहां पर गाइज आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको प्राइस देखने के लिए मिल रहा है, उसके बाद जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो देखने के लिए मिल रहा है, और टोटल शेयर कितने मिल रहे हैं आपको, 0.27 शेयर हमें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि 37 रुपये का एक शेयर है और हम सिर्फ 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है वो आती है पोटेंशियल रिटर्न की। अगर हमारा ओपिनियन सही होता है तो हमें पोटेंशियल रिटर्न कितनी मिल जाएगी, हमें 10 रुपये के हमारे कितने बन जाएंगे, तो वहाँ यहाँ बन जाएंगे 27 रुपये, 27 रुपये हमें 10 रुपये के मिल जाएंगे अगर हमारा ओपिनियन सही हो जाता है। बट अगर हमारा ओपिनियन गलत हो जाता है गाइस, तो हमारे 10 रुपये भी चले जाएंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट के साथ भी रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, और उसके बाद गाइस वो शो होता है पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर। ये जो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है, इस पर हमने क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर हमारा जो ट्रेड है वो शो हो रहा है। एक ट्रेड हमने पहले भी लगाया था जिसमें हमें +6% का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये जो ट्रेड है ये आप बीच में भी सेल कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तब भी आप सेल कर सकते हैं, अगर आपको लॉस हो रहा है तब भी आप बीच में सेल कर सकते हैं, क्योंकि गाइस अगर आपका पूरा अमाउंट बर्बाद हो जाए उससे बेहतर है कि आप बीच में ही सेल कर दें। अगर आपका ओपिनियन गलत होता है तो धीरे धीरे यहाँ पर आपको लॉस शो होता है, बट अगर आपका ओपिनियन सही होता है तो आपको प्रॉफिट भी यहाँ पर शो होने लगता है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपका जो ओपिनियन है वो गलत हो सकता है, तो आप जो अपना ऑर्डर है या अपने ट्रेड है वो बीच में ही सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपने सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, जो सिलेक्ट शेयर का ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है, ये वाला, और इसके आगे क्लिक करना है आपने मैक्स वाले ऑप्शन पर। मैक्स वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, जितने भी आपने टोटल शेयर लिए होंगे वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे और आपकी जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। अब हमने 10 रुपये इन्वेस्ट किए थे पर हमें लग रहा है कि हमें नुकसान हो जाएगा, तो हम यहाँ पर अपने 10 रुपये के 9.54 रुपये अभी भी वापस ले सकते हैं। उसके लिए हम बस प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और जो हमारे शेयर्स हैं
वो सक्सेसफुली जो है वो सेल हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है गाइस ट्रेड एक्स में अर्निंग करने का, येस और नो करके आपने अर्निंग करनी है। ज्यादा मुश्किल ये जो ट्रेडिंग है ये नहीं है, तभी हम इसको ओपिनियन ट्रेडिंग कहते हैं गाइस। ओपिनियन का मतलब होता है सुझाव, तो आप अपना सुझाव देकर इस एप्लीकेशन में पैसे कमा सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने आपको इस ऐप के बारे में बता दी है। बाकी अगर आप इस ऐप में विड्रॉल करना चाहते हैं गाइस, तो इसका जो मिनिमम विड्रॉल है वो है 100 रुपए का। 100 रुपए से कम आप इस एप्लीकेशन में विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि गाइस के पहले डिपॉजिट करें उसके बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर क्षमता है 10 रुपए के 100 रुपए बनाने की, तब आप इस एप्लीकेशन में 100 रुपए भी विड्रॉ कर पाएंगे। पर यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड भी वेरीफाई करना होगा। विदाउट पैन कार्ड वेरीफिकेशन आप इसमें डिपॉजिट तो कर सकते हैं बट विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तभी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का नाम है ट्रेड एक्स। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करिए और मनी ट्रांसफर स्टार्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।